बद्रीनाथ का दर्शन करने गया अहमदाबाद का सेठ। अहमदाबाद में कपड़े की मिलें थी दो। मूर्ति वाले भगवान बद्रीनाथ का तो दर्शन किया, लेकिन जिसके हृदय में भगवान प्रकटा हो ऐसे कोई संत भगवान के दर्शन कराओ। पंडा ने देखा कि पक्का भक्त सेठ है, दक्षिणा भी मिल जाएगी। ले गए उस समय के बद्रीनाथ में रहने वाले कोई रसमय साधु के पास। तब उस अहमदाबाद के सेठ ने, जहाँ आप अभी बैठे हो ये अहमदाबाद है, अहमदाबाद के सेठ ने बद्री का आश्रम के नज़दीक जो गुफा में रहता संत थे उनको प्रणाम करते हुए अपनी व्यथा रखी। बोले, महाराज हम सत्संग सुनते हैं, मेरी दो कपड़े की मिलें, करोड़ों रुपए कमाता हूँ, देश परदेश में घूमा हूँ, क्लबों में नाच के भी आ गया, महाराज कोई सार नहीं है। जीव को कई कई स्वाद चखाए महाराज, आखिर ये जल जाने वाली जीभ से तृप्ति नहीं मिली। नाक को कई परफ्यूम सूंघाए महाराज, विदेश गए कई अतर लिए, लेकिन धोखा किया आपने से। कान को कई राग रगनिया से तृप्त करा, लेकिन अतृप्ति। महाराज अब जानते भी हैं, फिर भी वो उसी में पड़ रहे हैं, कोई उपाय बताने की कृपा करें। महाराज ने शिष्य को संकेत कर दिया और चल पड़ा हरि कीर्तन। तो सेठ के साथ उनका मुनीम था, मैनेजर था, हजारों रुपया पगार लेने वाले अधिकारी थे। सेठ के चेहरे पर खटाई सी आ गई कि हमने इतना ऊंचा प्रश्न किया था और ये क्या भगतड़े ने कीर्तन चालू कर दिया। 20-25 मिनट कीर्तन के आनंद में सब डोलने लगे। वो जो 20 आदमी सेठ के थे अधिकारी, वे भी डोलने लगे, लेकिन सेठ ताकते रह गए। संत ने संकेत किया, तब कीर्तन शांत हुआ। बोले, बाबा मेरा सूक्ष्म प्रश्न था, उसी का उत्तर आप देने चाहते थे, इतने में इन लोगों ने शोर बकोर कर दिया। महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए, कृपा हो जाए। महाराज ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने दिलाने के लिए संकेत किया था। मनुष्य का मन रस चाहता है, कितना भी मन को समझाओ लेकिन रस के पक्ष में चला जाएगा। ये खाना अनुचित है लेकिन मजा आएगा, कर लेगा। आप सावन महीना है, पुरुषोत्तम मास है, संभोग करना बड़ा भारी घाटा पड़ेगा, लेकिन लोग सुनते हुए भी फिसल जाते। मन सुख के पक्ष में जाता और बुद्धि विवेक के पक्ष में जाती। तो मन को जब तक भगवत रस नहीं आया और बुद्धि को जब तक विवेक पुष्ट नहीं हुआ, तब तक जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। ज्ञान तो सबके पास है कि अनुचित है, फिर भी फिसल जाते। तो दुर्बल मन है, अब दुर्बल मन को रस मिलेगा भगवान का, तब सबल होगा विकारों से बचने में। इसीलिए भैया कीर्तन करो, भगवान नाम जप करो, माला पर जप करो, फिर मानसिक जप करो, प्रीतिपूर्वक जप, सुमरण, ध्यान 3 घंटे रोज जप करें, 12,000 प्रणव का जप हो जाएगा। 3 घंटे योग वशिष्ठ भी जा रहे, 3 घंटे मैं बोलता हूँ, योग वशिष्ठ में लिखा है 1 पहर बराबर 3 घंटे होते। 1 पहर साधु की सेवा, आत्मज्ञानी महापुरुष की सेवा 1 पहर। 1 पहर सेवा का मतलब ये नहीं कि तुम पैर चंपी करने की कोई कल्पना करो, ना ना, आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। 1 पहर साधु सेवा, 1 पहर जप, 1 पहर भगवत ध्यान और 1 पहर शास्त्र विचार। अगर इसी जन्म में, इसी वर्ष में ईश्वर प्राप्ति करनी है तो ये साधन है। और नीच कर्मों का त्याग, झूठ कपट नीच कर्मों का त्याग, बस ईश्वर प्राप्ति। जब ईश्वर प्राप्ति होगी तो बाकी क्या बचा? उसने सारे तीर्थों में नहा लिया, सारे यज्ञ कर लिए, सारे तप कर लिए, सारे पितरों का तर्पण कर दिया। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, दातम तेन सर्व दानम, कृतम तेन सर्व यज्ञम, ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। एक क्षण के लिए भी ब्रह्म परमात्मा हो तो एक क्षण काय को, एक क्षण का स्वाद भी मिल जाए ब्रह्म सुख का तो फिर बार बार स्थिति करेगा। पान मसाले का स्वाद बार बार तबाही कर देता है तो भगवत सुख बार बार आबादी कर दे तो क्या आश्चर्य।